तो देखिए, नवरात्रों के व्रत चल रहे हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ हलवा बनाकर लाई हूँ। ये और जो मैंने उबले हुए आलू से बनाया है, और ये हलवा बहुत टेस्टी भी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। और व्रत में इसको खाने से हमें अच्छी इससे एनर्जी भी मिलती है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और नवरात्रों के व्रत में माता रानी की उपासना करने में लगे होंगे। तो आइए चलते हैं रसोई में और बनाते हैं आज के व्रत के लिए हम आलू का हलवा। तो ये मैंने लिए हैं 5 आलू उबले हुए मीडियम साइज़ के, और साथ में मैंने लिया है ये 1 कप दूध और 1 कप चीनी ली है जो मैंने पीस के रख ली है घर पर ही। और इनको हम सबसे पहले हम करेंगे आलूओं को ग्रेट। उससे पहले हम थोड़े से केसर के धागे भी दूध में डाल देंगे, जिससे कि जब तक हम आलू की और तैयारी करेंगे हलवे की, तब तक हमारा ये दूध केसर जो है दूध में घुल जाएगा और अच्छा सा कलर और खुशबू आ जाएगी इसकी। तो चलिए अब कर लेते हैं हम आलूओं को ग्रेट। तो मैंने मोटी वाली साइड से, जो ग्रेटर की मोटी वाली साइड होती है, उससे मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया। और जो मैंने दूध में केसर के धागे डाले थे उनको चम्मच से मैं मिला दूंगी, जिससे कि वो अच्छे से खुल जाएंगे उसमें। और फिर चलिए चलते हैं गैस की तरफ, और गैस पर हम रख देते हैं कढ़ाई। अब कढ़ाई में मैंने लिया है 1 सर्विस स्पून देसी घी। तो हलवा तो सूजी का हो या आलू का हो या किसी भी चीज़ का हो तो देसी घी में ही अच्छा लगता है। तो देसी घी में अब मैंने ये आलू ले लिए हैं और इनको हमें भूनना है। तो इन्हें हम अच्छे से चला चला के मसल मसल के भूनेंगे, जिससे कि इनमें रेशेज जो इसके जो ग्रेट करने के बाद जो रेशे होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाए सारे और एक चिकनापन आ जाए इसमें। तो ये बहुत आराम से हो जाता है। तो देखिए, इस तरीके से इसको हमने भूनना शुरू कर दिया है, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तब हमने इसमें ये मिला दिया चीनी का पाउडर, जो पीस के रखी थी चीनी वो मिला दिया है। और इस समय ना, आप यकीन माने, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन में हमारी। और चीनी चूँकि मेल्ट हो जाती है गर्म होने के बाद, तो हल्का सा पानी छोड़ेगी वो, तो उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी में हमें पकाना है इसे आलूओं को, और 2-3 मिनट में ही ये गाढ़ापन आ जाता है इसमें। और इसी टाइम पे हमने ये 1 कप दूध जो केसर मिला के रखा था उसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और ये दूध मिलाने के बाद हमें इसे करीब 5 मिनट तक और भूनना पड़ेगा और इस पर गाढ़ा होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और गैस को मैंने रखा है फुल फ्लेम पे इस समय, लेकिन इसको लगातार चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से क्या है ना, जलने का डर रहता है। और फिर मैंने अब इसमें, जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो 1 सर्विस स्पून देसी घी और ऐड कर दिया है। आप अगर चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, पर जी हलवे का मज़ा तो घी से ही है ना, तो आप ज़रूर डालिएगा। और फिर हमने इसको भूनना शुरू कर दिया, तो इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। और अच्छा सा ये गाढ़ापन आता जा रहा है, डो की शेप में आता जा रहा है ये। और अब मैंने थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर भी मिक्स कर दिया। आप इस समय चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब ये हमारा हलवा पूरी तरीके से तैयार है और पैन को छोड़ रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। तो अब चलिए करते हैं इसको सर्व। बड़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है इस समय हलवे में से। तो दोस्तों, आप बनाइएगा ज़रूर ये हलवा एक बार अपने घर पे इन नवरात्रों में, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप आगे भी फिर वैसे नॉर्मल डेज में भी बनाएंगे फिर इसको, सूजी के हलवे से भी ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला हलवा खाने में। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो अब इसको मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट से और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियों से सजा भी दिया था। तो मेरे पास रहती हैं थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ, मैं सुखा के रख लेती हूँ इसीलिए मिठाइयों पे लगाने के लिए। तो देखिए कितना अच्छा यमी सा लग रहा है हलवा। तो दोस्तों, बताइए आपको मेरा बनाया हुआ ये आलू का हलवा कैसा लगा व्रत के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, अब मैं आपसे एक अगली वीडियो में मिलूँगी नई रेसिपी के साथ।
और तब तक के लिए विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।